रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सनातनी जन्म में है, हिंदू जन्म में है, तो जीवन में धर्म अनुसार कुछ क्रियाएं आपको करनी चाहिए, और ये वो क्रियाएं हैं जो कि आपको आपसे जोड़ेंगी और आपको अनंत ज्ञान से जोड़ेंगी। बहुत सारे लोगों का जीवन सिर्फ इसलिए अंधकारमय होता है क्योंकि जो बेसिक चीजें उनको जीवन में करनी चाहिए वो नहीं करते। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप सुबह उठ करके ब्रश नहीं करेंगे तो आपका दांत सड़ जाएगा। आप महीने में अगर बाल नहीं धोएंगे, सप्ताह में बाल नहीं धोएंगे तो सर में आपका जटा हो जाएगा, बाल गिरने लगेंगे। तो ये कारण शरीर के लिए कलयुग में बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन जो पंचकोश के बाकी चार शरीर है उनको संभालने के लिए कुछ भी विधान हम लोग अध्ययन नहीं करते। क्यों नहीं अध्ययन करते हैं? क्योंकि जो कोर्स की किताबें हैं उसके बाहर हम निकल नहीं पा रहे कि धार्मिक ग्रंथ पढ़े। दूसरा विषय है कि जो धार्मिक ग्रंथ है वो इतने विस्तार में दिए हुए हैं कि एक आम मनुष्य अगर चाहे तो उसको फॉलो कर नहीं पाएगा। लेकिन इच्छाएं तो होती है कि देवता का ध्यान करें, देवताओं का जो है हाथ हमारे सर पे रहे, ठीक है। उसके लिए एक आम व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, उन सब सारी चीजों को मैं आज आपको बताऊंगा। आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही जो आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसके साथ। सबसे पहले जिस तरीके से आम क्रिया आप करते हैं उसी प्रकार से स्नान जो है वो जीवन की क्रिया में जोड़ लीजिए। किसी भी हालत में स्नान को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रतिदिन, ठीक है। स्नान करने से सिर्फ तन का जो दुर्गंध है वो नहीं हटता है, बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके बाहरी शरीर से जो आपको दिखता नहीं है उसमें आके अटैच हो जाती है, और जब वो अटैच होती है तो बहुत तरह का नकारात्मक सोच विचार आपके मन में आने लगता है, ठीक है। दूसरा, जब सुबह उठते हैं तो बिना मंत्र बोले सिर्फ अपनी हथेली को एक बार दर्शन कर ले, दोनों हाथ को जोड़ करके। इससे क्या होता है कि आपको आपके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, ठीक है। कई बार आप किसी चीज को देख लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, वो आइडिया लेता है, तो बोलते हैं कि सुबह में चाकू नहीं देखनी चाहिए, छुरी नहीं देखनी चाहिए, बहुत सारी चीजें सुबह वर्जित है। तो होता क्या है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन दिन भर के जो आपका कार्यकाल रहेगा उसके बीच में आप उस उत्तेजना को फेस करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब भी आप सुबह उठ करके जब जमीन पर पैर रखना है उससे पहले जमीन को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, कि आपने हमें थाम रखा है। ये दो चीज है जो कि आपको सुबह उठते के साथ करनी चाहिए। फिर जब हम जल ग्रहण करते हैं मुख में, उससे पहले जो भी आपके ईष्ट है, मान के चलो शिव है या फिर राम है, नारायण या शिव, दो में से एक को चुन के उनका नाम जाप 108 बार करना चाहिए, मुंह में पहला बूंद जल जाए उससे पहले। तो राम का जाप करेंगे राम, शिव का जाप करेंगे शिव, शिव 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 नहीं, राम 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 नहीं, अच्छे से विस्तार में जाप करेंगे, 108 बार जाप करेंगे, उसके बाद ही जल मुंह में
लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर जो आपका जो कार्य है वो आप करिए। जो घर में आपने, अगर आप पूजा करना चाहते हैं ढंग से, आपके पास दिन भर में 15 मिनट है कि आप पूजा को देना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो घर में गंडकी नारायण, मतलब वो उसका एक सिद्धांत है कि अगर आप गंडकी रख रहे हैं शालिग्राम घर में, तो वो आप खरीद नहीं सकते हैं। किसी ईश मित्र को आप खरीद के गिफ्ट कर दीजिए, वो आपको गिफ्ट करते हैं। एक तुलसी का पौधा आंगन में बालकनी में, एक शिवलिंग अर्घा के साथ, लक्ष्मी गणेश, ठीक है, और शिव पार्वती या महादेव और दुर्गा, ये कम से कम व्यवस्था आपके यहाँ होनी चाहिए। जो गायत्री में अभिमंत्रित हैं, इनको गायत्री मंत्र मिला हुआ, अधिकृत है, अभिमंत्रित नहीं, अधिकृत है, वो कम से कम 4 माला गायत्री का सुबह में जाप करें। अच्छा, मान के चलिए कि एक बार में जाप करने का समय नहीं है, तो एक बार जाप करेंगे उसका दिन भर में उसको आप जाप कर सकते हैं। और फिर जो भी गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र नहीं लिया है तो फिर नाम जाप करेंगे शिव या राम, ठीक है, कोशिश करेंगे कि गुरु मंत्र ले लें। उससे क्या होता है कि मंत्र की जो सार्थकता है वो बढ़ जाती है, एक दिशा मिलता है साधना के जीवन में। अब जैसे कुछ लोग हैं कि एक माला भी नहीं कर सकते तो 27 बार करेंगे, ठीक है, लेकिन एक माला पूरा करना है तो उसमें क्या करेंगे कि सुबह के ब्रेकफास्ट में फिर नॉनवेज का जो भक्षण है वो नहीं करेंगे। और मान के चलिए मध्याह्न भोजन में आपने नॉनवेज खा लिया, तो संध्या काल में स्नान करके फिर जो है आप जाप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अपना एक जाप माला होना चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं तो तुलसी की माला, अगर आप शैविक हैं या शाक्त हैं तो एक रुद्राक्ष की माला, और वो हमेशा जो जाप माला है वो हमेशा जाप की थैली में होनी चाहिए, और वो थैली जो है वो एल शेप की होती है, जिसमें हर भाग जो है वो चार चार उंगली आपके आपकी आपके हथेली की जो 4 उंगली है उसके नाप के हिसाब से बननी चाहिए। उसको अच्छे से सजा के रखें, हमेशा साफ सुथरा रखें और सब जाप उसी पर करें, ठीक है। घर में जब पूजा करते हैं तो 5 चीजों से पूजा करनी चाहिए, ठीक है, धूप, दीप, नवेद, पुष्प और गंध। गंध 2 प्रकार से होता है, जो धूप दीप तो आप समझ गए, घी का दीपक जलाइए घर में, धूप अपने पसंद का जलाइए, जब 5 देवता है तो अलग अलग तो धूप आप जला नहीं सकते हैं। उसके बाद नवेद, रोज कुछ ना कुछ नवेद चढ़ाइए, रोज नहीं चढ़ा सकते हैं ला करके तो ड्राई फ्रूट को रखिए, उसको रात में पानी में भिगो लीजिए, सुबह उसको चढ़ाइए, ठीक है। पुष्प, तो जो भी पुष्प अवेलेबल है आपके पास वो आप चढ़ाइए। पुष्प कौन सा चढ़ना चाहिए ये मैंने चैनल में दे दिया, लाल पुष्प महादेव को नहीं चढ़ता है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे। और गंध, गंध में क्या है कि अष्ट गंध जो तिलक करते हैं, चंदन, ठीक है, या इत्र, इस तरीके का गंध आप उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही नियम का आपको घर में पालन करना है। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी भी विग्रह को स्पर्श करने की चेष्टा ना करें, ठीक है, वो हितकारी होता है। और जब मंदिर जाते हैं तो अगर मान के चलिए कि वहां बैठने का समय है तो मंत्र चालीसा आपने जाप कर लिया, लेकिन अगर सिर्फ आप घुसेंगे, दर्शन करेंगे, निकलेंगे तो मंत्र करने में जो है समय नष्ट नहीं करते हुए उस स्थान का जो वाइब्रेशन है वो अपने अंदर में ग्रहण करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, हर घर में संध्या पढ़ना चाहिए। संध्या पढ़ने का क्या मतलब होता है, जब सूर्यास्त का समय होता है तो भगवान के पास अगर घर की महिला दीपक जलाए तो और अच्छा होता है, उसके बाद उस दीपक को पूरे घर में घुमाया जाता है, ठीक है। अब जैसे घर में 2 लोग पूजा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी कर रही है, माँ कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो आप लोगों का आसन हमेशा अलग होना चाहिए, आसन और जाप माला हमेशा अलग रखेंगे, ठीक है। आप बिना किसी दीक्षा के कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मैं शैविक हूं तो शिव का ही बताऊंगा। नमः शिवाय या मंत्र ओम के बिना लगाए हुए आप इसका जाप
पूजा में बिल्कुल कर सकते हैं। सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवारण मंत्र का जो पुरुष जो उसका विधान है उसके साथ जो है आप उसका जाप कर सकते हैं घर में। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं घर में। संध्या काल में आद्या स्त्रोत्र का पाठ आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र जो करेंगे वो साप विमोचन करके ही गायत्री मंत्र करेंगे अगर उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें भोजन और वस्त्र के नियम होते हैं, है ना, लेकिन वो नियम जो है कलयुग में माफ है। अगर आप पालन कर सकते हैं तो सिले हुए कपड़े पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और भोजन में जो वैष्णव है वो तो ऐसे ही निरामिष होते हैं, मतलब वो तो मांसाहार करते नहीं है। और जो करते हैं मांसाहार वो पूजा करने से पहले मांसाहार ना करें, बस इतना ही सा नियम है। बहुत सरल है सनातन धर्म, इतनी चीजों का अगर आप पालन करते रहे दिन भर। अच्छा, देवता के पास जब पूजा कर रहे हैं तो बहुत लंबा पूजा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट, बस उतना ही पूजा करना है। इस 10 से 15 मिनट में जो देवता की सफाई होती है या हवन होता है तो वो गिनती नहीं होती है, ठीक है। कितना सहज 10 मिनट में जितने विषय को मैंने रखा, इतने विषय को अगर आप ध्यान में जीवन में रखें, आपको इन विषयों को पूर्ण करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। सिर्फ इतना करने से आप त्रुटि विहीन रहेंगे पूजा करने में, कहीं भी आपसे त्रुटि नहीं होगी, कहीं आपसे गलती नहीं होगी। और जब गरुड़ पुराण सुनेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को अनंत खुशियां दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।